डॉट शर्मा, आप देख रहे हैं भोजपुरी महफिल डिजिटल मीडिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ गांधी वैली मेरू टैगिस में, जो कि फिल्म लगा है बिहारी बन गई लीजो, और हमारे जो स्टार कास्ट हैं दोनों वो हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है भोजपुरी महफिल में आपको। सर, फिल्म बिहारी बन गई नाम ही ऐसा है कि फिल्म भी बहुत अच्छी है और शायद ऑडियंस भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी पहली फिल्म है और काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, और मैं ऑडियंस से विनती करता हूँ कि हमारी फिल्म को काफ़ी मतलब प्रचार कीजिए ताकि हिट हो जाए हमारी फिल्म और हम भी आपकी कलाकार बन जाए। और यहाँ की फिल्म दर्शक थे अभी बाहर निकलने के बाद बोल रहे थे ये शॉर्ट फिल्म जो कि जी का था काफ़ी मिलता जुलता है। गोविंदा जी का तो मैं फैन हूँ, उनके घर पे भी कई बार जाता हूँ, चाय वाय भी हम लोग पी लेते हैं कभी जाकर। तो कुछ तो होता, बचपन से हम लोगों ने उनको ही देखा है, बड़े हैं तो कुछ तो आ जाते हैं उनके जब से। सर, इसके बाद कौन सी मूवी आने वाली है? इसके बाद मेरी आ रही पकड़ू से तुलनिया, फिर शूरवीर आ रही है, कर रहे काम चल रहा है अपने दर्शकों के। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये फिल्म आप लोग सुपर हिट कीजिए और सबको बता दीजिए, ये फैमिली ड्रामा है, फैमिली फिल्म है, साफ़ सुथरी फिल्म हम लोगों ने बनाई। काफ़ी मतलब गंदी फिल्में आती हैं लेकिन फिर हम लोगों ने काफ़ी मतलब इज्जत नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों ने साफ सुथरी फिल्म बनाई। जी मैम, आपका भी स्वागत है। देखिए, अभी तो हमने फर्स्ट हाफ देखा, मध्य प्रदेश पहले था, मध्य प्रदेश बाद में आपको पता चलेगा कि जो दुश्मन भी है विधायक की वो उस फिल्म में कहीं वो उस फिल्म में नहीं थी, काफ़ी कुछ नया फन है इस फिल्म के अलावा। जी, नॉर्मल सिनेमा हॉल में काफ़ी अच्छा चर्चा का विषय बन के आई जी जी वहाँ तो काफ़ी दर्शक आए और पूरी भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि दरअसल क्या है ना, वहाँ हमको रिपीट वाली अच्छी लगी, जिसने एक मरतबा फिल्म देखी, एक बार देखी वो दोबारा बार एक शख्स वैसे मिले थे, एक इंसान आए थे वहाँ पर, दर्शक थे हमारे और फिल्म प्रेमी जाहिर सी बात है, तो उन्होंने कहा कि जितने शो हैं मैंने एक शो भी नहीं छोड़ा, उनका भी आप डेली आते हैं किर जी, पहली बार जब फिल्म देखी तो इतना अच्छा लगा, मतलब फिल्म के किरदारों से वो जुड़ गए, तो इस फिल्म में मार धाड़ और ये सब अश्लीलता इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन दिल को छूने वाली और बड़ी मर्मस्पर्शी है। डायरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? जी ज़रूर। देखिए, डायरेक्टर कैशम दर्शक होते हैं, इस फिल्म को इस अंजाम डायरेक्टर और बाकी टीम के साथ, हालांकि ये टीम बहुत है लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा कहानी और किस तरीके से पेरोल पर विजन में लोगों दर्शकों तक पहुँचाने के लिए डायरेक्टर का काम है, उन्होंने अपने काम अपना जो बखूबी निभाया है, अच्छे तरीके से पेश किया है, और ऐसी ही यंग जनरेशन को भी मैं नई नई चीज़ें लाना चाहती हूँ और कोई गरीब वाली चीज़ को हराना चाहती हूँ, सिर्फ हीरो से फिल्म ना चले, फिल्म की कहानी भी प्रस्तुतिकरण स्टोरी बहुत अच्छा पिक्चर की, और आप लोग भैया देखो प्रचार कीजिए थोड़ा सा, भैया हम भी हैं यूपी से, नए हीरो हीरोइन आगे ले जाने का काफी श्रेय दर्शकों को भी है, काफी पसंद आएगी, अभी मैं हीरो बनूंगा फिल्म में, गोविंदा गोविंदा। हमारे यूपी और बिहार के दर्शक कब तक इस फिल्म को देख पाएंगे? देखिए, हम लोग ने सोचा था कि मुंबई से शुरुआत करते हैं, आमतौर पर ऐसे मुंबई की नगरी है, लेकिन चूंकि भोजपुरी है तो जाहिर सी बात है बिहार और उत्तर प्रदेश इससे जुड़ा तो नहीं है, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों का है इस फिल्म में, तो बहुत जल्दी ही मुंबई के बाद हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह गुजरात, सब जगह ही फिल्म रिलीज होगी अच्छे पैमाने पर। इस फिल्म में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्टार हैं आप, तो जो पब्लिक की दुनिया आ रही है दुनिया में कैसा देख रहे हैं आप? जी, इसके बाद दूसरी फिल्म और इसकी जोड़ी है, हालांकि सब लोग आप ही मेरी अलग काम कर चुकी हूँ, मैं भी फिर हमारी जो दूसरी वो है बबलू की दुनिया, वो भी नाम से जाहिर है बबलू की दुनिया,
बबलू अपनी भुलैया को किस तरीके से गाने में गाते हुए आए और बहुत ही ज्यादा हिलेरियस कॉमेडी, बहुत ही हंसी सी है ना। मैं स्कूल में नौकर दिखा रहा हूँ सर्वेंट, मैं पटाता हूँ इनको, मंगा ले जाता हूँ, बड़ा देखा जाएगा जो होगा। चलिए सर आपका शुक्रिया, देखिए एंजॉय कीजिए फिल्म का, थैंक यू सो मच। पिक्चर अच्छा है, एक नंबर पिक्चर है भैया, जरा प्रचार कर दीजिए हम फिर से बोला तानी। हाँ बोल जाना ना, प्रचार कर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट शर्मा, आप देख रहे हैं भोजपुरी में फिर डिजिटल मीडिया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आया हूँ कांदिवली बेस्ट मयूर टैकिस में, जो फिल्म लगा है बिहारी बनल हीरो, तो मैं अपने दर्शकों से बात करूँगा। काफ़ी दर्शक इंजॉय कर रहे हैं इस फिल्म को देखकर और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हमको आज तक इतनी फिल्म देखी मगर ये फिल्म सबसे अच्छी है। उधर वो जो एक्टर आए, हीरोइन आई, उसको मिलकर बहुत आनंद आने लोग हुए। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ वो लोग ऐसे ही आगे जाए और देश का रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कलाकार आया और स्टॉप हो जाए, इसके बाद दूसरा भी आना चाहिए और ऐसे कलाकार आते ही रहना चाहिए।